पानी हुयो भगवान ही साथ से तो मैं तो संपूर्ण रूप से आपके साथ 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 बोलियो खांदा पे मेल मेला तो काई से तो नो साफ राखो साफ राखो मारा तो आलोक जी कोई थे आलोक जी कोई छे तो दूसरा को नंबर ही ना पा दियो कहीं कौन आवे दे हमारी पंचायत जो सरू से कमला बेणीवाल से जीता था आर्या से जो आलोक को नहीं जिताएंगे। अच्छा हां जी ने जिताओ ना। आलोक बेणीवाल जी के चुनाव प्रचार को लेकर महिलाएं मंगल गीत गा रही है और उसके साथ ही उनका कहना है कि सुन लियो रे सहेलियां वोट सिलाई मशीन में देनो वोट सिलाई मशीन में देनो वोट आलोक ने देनो। ये इनके मंगल गीत हैं जो गांव-गांव में गूंज रहे हैं। शाहपुरा की जनता इस बार पूरे बहुमत के साथ आलोक बेणीवाल को फिर से जिताने के लिए तैयार है। ये राजस्थान की विधानसभा में एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि निर्दलीय आलोक बेणीवाल विधानसभा में 5 साल शानदार काम किया और फिर से जनता ने उन्हें कहा कि आपको फिर चुनावी मैदान में आना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ महिलाओं से मैं बात करता हूँ। हाँ जी आलोक जी को कहे माहौल छे छोटी छोटी गुड़िया भी बेटे आएडी छे बेटे मशीन को चुनाव चिन्ह बता रही जो काहे बताओ छो तो जीजी नजार सिलाई मशीन ने वोट देनी छे आलोक जी सिलाई मशीन आलोक जी ने वोट देनी छे। कसी पढ़े छे तू 7th सेवंथ में आगे शिक्षा के लिए बढ़िया काम करे था आलोक जी। हाँ जी चाची जी था कुछ कहीं से तो नोचे वे लोग जी ने वोट देने से सिलाई मशीन ने देने से सिलाई मशीन ने सरपंच की भाई राम सिंह की। अच्छा ना कोने खेली के अब था को काय विचार छे माड़ भी बोई छे काई भी मशीन में जाऊं चलो जी सिलाई मशीन में मैं तो 10-5 दिन और साथ में दिवा वाला। हाँ तो ये मतलब सब ग्रुप में देखो कितनी महिलाएं उत्साह के साथ में आनंद के साथ में ये चुनाव प्रचार के लिए काम कर रही है और अपने आप में आलोक जी का गजब का माहौल है और पूरी जनता आलोक बेणीवाल को लेकर उत्साहित है। आलोक बेणीवाल क्या माहौल आलोक जी का सभी आलोक जी का माहौल हो रहा है जी और सिलाई मशीन को ही जिताना है जी सिलाई मशीन को जिताओगे। हाँ जी हाँ जी आप लोगों का आलोक जी बेणीवाल की तरफ है हमारा तो जो भी है जो वोट उन्हीं को देना है। अच्छा और घर पे भी सभी को आलोक जी बेणीवाल के लिए बुलेट नंबर 36 को उनके 36 को उनके आलोक जी बेणीवाल के साथ है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ काका जी तोलियो खांदा पे मेल मेला तो काई से तो नो छे साफ राखो मारा तो आलोक जी कोई छे आलोक जी कोई छे तो दूसरा को नंबर ही ना पा दियो कहीं कौन आवे दूसरा को ना पा दी आलोक जी बेणीवाल के साथ सा 36 कौन की आलोक जी बढ़िया काम कर रिया छे बढ़िया काम आलोक जी बेणीवाल नहीं जिताऊंगा। अच्छा ए देखो अच्छा ई तो लाग रिया तू देख हां ई की गेल लाग रिया जमे आलोक बेणीवाल का वोट छी पूरा आलोक बेणीवाल जी को भारी मोहब्बत से विजय बनाएंगे साहब आलोक बेणीवाल जी को भारी मोहब्बत से विजय बनाओगे। बहुत बढ़िया इधर बहुत सारे इधर दादाजी दाजी दौड़ो तोलियो और दौड़ो शापो साफ राखो कैसे तू नो भूख काई बदे वो बैठा कौन ने जितावला इन जताओ ना जाट इन जितावला और कौन जितावला कौन से यो आलोक बेणीवाल तो इन्हें क्यों जितावला इन्हें जितावला ना काम चौका कर रहे थे कहीं खूब 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 कर रहे थे काम। अच्छा हाँ तो लोग बाग दूसरा तो विरोधी कर रहे थे कहे ना करियो मैं करियो ना वो विरोधी कर रहा ना मैं तो काम कर रहा था पार्टी में खूब खूब कर रहा था तो जताओ ना लोग जी दाजी मुछाड़ा दाजी चे हां जी कांदा पर सोल चे ऊपर छापो चे हमारी पंचायत जो सरू से कमला बेणीवाल से जीता था आर्या से जो आलोक को नहीं जिताएंगे। अच्छा हां जी ने जिताओ ना डूंगर पहलाड़ी जत्ती पंचायत से तारो साफ रहे यार तो पहला हम तो जितार खिंदा थे उधर से कान का तो पूरा ही जिता रहे थे हां बिल्कुल जोरदार जिताओ ना। हां ऐसी बात सही है यार भगवान भी साथ दियो जो बोरिंग में जो यार सम पानी हुयो छे 10 साल से पानी नहीं हुयो जिंदे भी पानी हुयो छे आलोक बेणीवाल जी को भारी बाबू से जिताने के लिए यहाँ तक घूम रहे हैं तेजपुरा से आए बहुत से आदमी आपने तेजपुरा से मंदिर की जो मना के भेज रहे थे ना बिल्कुल
उसकी कर रहे थे वो आज तेजपुरा वाले सब यहाँ आलोक जी के साथ हैं, पूरी जनता साथ है, पूरी जनता साथ है और आलोक बेनीवाल का पूरा गजब का माहौल है। हाँ जी, क्या आलोक बेनीवाल जी को क्यों जिता रहे हो? मैं तो सारी बातें सारो समर्पण याने से सबसे बढ़िया बात हो जाए 10 साल से भी मारा खड़ी ने पानी ने सो ना बंडे भी यहाँ को जिंडे भी बोरिंग हो गोबा में सब में पानी हुई भगवान ही साथ से तो मैं तो संपूर्ण रूप से आपके साथ 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 आलोक बेनीवाल जिंदाबाद। खास बात हमारे को यह देखने को मिली उनके द्वारा जो हेडपंप करवाए गए हैं ट्यूबवेल वगैरह गाँव में उनमें सब में पानी हुआ है तो गाँव वालों रोचक बात है सुनो 10 साल पहले से भी जहाँ भी पानी नहीं था वहाँ भी अगर बोरिंग करवा दिया तो उनमें भी पानी है। हमारे पर्वत के एरिया में भी बोरिंग करवाया ने आलोक जी ने उनमें सब में पानी है और पर्वत क्षेत्र में भी टंकियां बनवा दी हैं जानवरों के लिए। इनकी किस्मत में इतनी प्यारी किस्मत क्या भगवान इनके साथ हो तो काश्तकार कहाँ जाएगा मेरे और काश्तकार को तो पानी चाहिए। आलोक जी जिंदा।